वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल नवदीप सिंह लुधियानवी ते। अज है जी 15वां दिन 75 दिन लगातार तुहानू रोज़ नवें स्टाइल की दस्तार सजा के दिखाण दा। अज तुहानू असीं 7.5 मीटर की रूबिया वैल कैमिकल दे विच दस्तार सजा के दिखावांगे। एमी विरक स्टाइल वटा वाली दस्तार। देखो मैं पहला सब तो पहला उन्हां दी प्रोफाइल ते गया, चंगी तरह चैक किया दस्तार नू अगले ते बैक साइड तो जिथों इथों मैं देख सकता सीगा। चंगी तरह इंस्टाग्राम फॉलोन तो बाद मैं यह डिसाइड किया कि शायद उन्होंने पग 7.5 मीटर हो सकती, क्योंकि उन्होंने दस्तार कुछ ज़्यादा खास चौड़ाई के नहीं होंगी, तो शायद उन्होंने कपड़ा भी फुल वैल हो। बट मैं तुम्हें तो रूबिया वैल कैमिकल के बन के दिखावगा 7.5 मीटर की पग। यह मेरी पुरानी दस्तार से जिन्हों मैं पूरा 7.5 मीटर का किया, तो उस तो बाद सजाना शुरू करता इनू। तो देखो सब तो पहला असी दस्तार चंगी तरह गिली किया हर एक पास्यों, फिर एक पला छड़ के एक पला फड़ के दोनों पले फड़न तो बाद असी एक पला जाके किसी बन देना है या किसी फड़ा देना है, तो उस तो बाद पुनी करनी स्टार्ट करनी है। इस वीडियो जो तुम मेरे पन्ना बनिया देख रहे हो, यह भी मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तुम मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी जो मैं इन्होंने वर्गी दस्तार सजावगा स्टैप बाय स्टैप तो समझावगा कितों किदा की करनी है दस्तार, ता जो शेप इन्हों वर्गी आ सके। जो असी किसी वर्गी दस्तार सजानी होंगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ा होंगे जीडिया ध्यान रखनिया होंगे, और सारिया समझावे असी डीपली जो तुम भी किसी वर्गी दस्तार सजा सको आसानी न। सब तो पहला पुनी खिंच के एक बार दोनों साइडा तो जिथे सिलाई आ खब्बे हाथ सिलाई रख के पूनी नू अंदर करते पिछे नू जाना है, तो एक बार फिर दस्तार की पूनी नू खिंचांगे। खिंच के जिहड़े उपरली साइड के दो पले होने हैं उन्हां नू फड़ लवांगे, तो देख लेना तुहाडी पूनी इन्नी क चौड़ी है कि तुसीं उहदे वट बना सकण, कि कुछ 4-5 वट बन जाण तुहाडे सेंटर दे विचों पूनी 1.25 इंच चौड़ी होनी चाहिए है घट्टो घट, जिहदे नाल तुहाडे 4-5 वट आसानी ना पै जाण। मोहल्ले ते पिछले लड़ना भी पा सकदे हो वट दोनों नू कंबाइन करके। इस तरह पूनी करते हुए तुसीं सारी दस्तार नू कंप्लीट कर लेना, तो फिर पिछों जी तुसीं हुण एक लैफ्ट साइड ते जूड़ा साहिब कर लेना। ढिल्ला जूड़ा करना नाल, कोई एक्सट्रा बेस नहीं रखना तुसीं, क्योंकि आपां खब्बे पास्यों दस्तार नू ज़्यादा बाहर नहीं कढ़ना, क्योंकि सज्जे ते खब्बे दोनों पास पग थोड़ी थोड़ी दबनी भी है, असी बेस ज़्यादा ना रखियो पग दे नाल। ते जूड़ा करन तो बाद कंघा साहिब रख के असी जिहड़ा 80 सेंटीमीटर का पन्ना सजाने हुंदे आ उहनू सजा लेना है। चंगी तरह हर एक हिस्से तो केसां नू अंदर कर लेना है, तो पिछों जी जिद्दां पेज घुमा के लैके आ रहे हैं इसे तरीके नाल तुसीं भी घुमा के लैके आना। दोनों पले बराबर करके इस पले नू थोड़ा उपर चक के लगा देना है, मोटा हिस्सा उपर रखते हुए एक बार पिंच कर लेंगे। तो इस लड़ नू असी कन्न दे उपरों जी लगा देना है। देखो किसी वार की शेप बनाउण वेले तुहानू पहलां तां फ्रंट तो अगले की दस्तार की शेप देखनी पैंदी है, फिर देख लेना कि वटा का गैप किन्ना है। 3 उंगलां की गैप नाल असी पहलां 50 सजा लेनी है, क्योंकि यह साडा एसटीमेट हुंदा है कि असी अगले की दस्तार हर किसे तो पहलां चंगी तरह देखी दी है कि उन्हां दी 50 कित्थे होगी, उन्हां दे अखां दे उत्ते लड़ कित्थे आ, उन्हां दी कलगी कित्थे लगी आ, उन्हां दी दस्तार की चौड़ाई किन्नी आ, मोरल जी शेप किन्नी आ। बहुत ज़्यादा चीज़ा होंदियां जो किसी वर्ग की दस्तार सजानी होवे उदों ध्यान रखण योग। सब तो पहलां असी इस तरीके नाल पेज नूं मूंह दे विच फड़ लेना है। पहले पेज तो तुहानू स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखो उन्हां दी देखो अख किन्नी ढकी हुई है, असी भी उन्नी की ही अख ढकनी है, तो किन्नी का आपां उपर 50 छड़नी है वह भी उस तरीके ही छड़नी है। पहले पेज के 2-3 वट बना लेने ने, उन्होंने वटा बना के जितों तुहाडी सज्जी अख का भरवट्टा शुरू हुंदा, मैं सज्जी अख की गल कर रहा, उत्थे भी बनाने की कोशिश करनी है। तो खब्बी अख नूं अद्धा क ढकना, ज़्यादा नहीं ढकना, तो पिछे तक 3 वट सीधे जे पाने आ, सारी दस्तार च वट तुसीं सीधे सीधे पाने आ, बरीक वटाली दस्तार नहीं सजानी हैगी तुसीं, इस गल का ध्यान रखियो। हो बहु तुहानू उहनां वर्गी दस्तार सजा के दिखावांगे असीं। दोनों पले बराबर करांगे पिछों जी पिंच करके, ज़्यादा उच्चा नहीं लगाना पेच, थोड़ा नीवा लगाना है, क्योंकि सज्जे पासे उहनां दी दस्तार है जिहड़ी मैं देखी, ज़्यादातर उहनां दीआं फोटो देखियां, उहनां दी पेचा का जिहड़ा गैप आ उह घट हुंदा हमेशा, तो दस्तार थोड़ी जी दबमी हुंदी आ दोनों साइडां तों। एक एसटीमेट लै लो कि 3 उंगलों के गैप नाल तुसीं वट बनाने शुरू कर देने, जिन्ने बनते उन्ने वट बना लो, एवरेज कढ़ो कि उन्हां दी एक लड़ दे किन्ने क वट हो सकते हैं, उस हिसाब नाल 5 या 6 वट बना लो हर एक लड़ दे, ते उस हिसाब नाल ही तुसीं वट सीधे सीधे पा के रखने आ। तुसीं देख सकते हो असी कोशिश करनी हो बहु जिहड़ी पग उन्हां दी तुहानूं वधिया लगती है। देखो कई जगह ते उन्हां दी शेप अलग आ पगा दी, किसी जगह ते उन्हां दी पग दी शेप अलग आ, तुसीं एक फोटो चूज़ करनी है किहड़ी फोटो नाल दी तुसीं पग बननी है, फिर उस हिसाब नाल ही तुहानूं दस्तार सजानी पेगी उन्हां दी। मैं ज़्यादातर फोटो देखियां कि अलग अलग शेपां ने उन्हां दी, अपनी पगां दी अलग अलग शेपां ने, हर एक फोटो च उन्हां दी सेम शेप नहीं हैगी, इसलिए तुहानूं एक सिलेक्ट करनी पैनी है फोटो जिहदे वर्गी तुसीं पग सजानी है। मैं भी इसे तरीके नाल कीता, तो फिर उस तों बाद चों फिर उन्हां वर्गी दस्तार बनाउणी शुरू कर दित्ती है मैं, तो पिछे तक सारे वट सीधे करके रखे आ। देख लो खब्बे साइड तो असीं ज़्यादा पेज बाहर नहीं कढ़ने, उपले हिस्से तो दोनों पले बराबर करके इस लाड़ नूं लगाना है, तो उपरों जी भी पेज नूं मोटा करांगे, पेचर की जिहड़ी उपली साइड तो गैप आ उहनूं भी घट रखांगे। हुण असीं इस लाड़ नूं अगे नूं मोटा करदे हुए इस पले दे भी 3 उंगलों के गैप नाल उपरों जी वट बनाने शुरू कर देने ने।
जिन्ने हो सकन जिन्ना क लड़ खुला है तुहाडा उन्ने क लड़ दे वट बना लैणे ने तुसीं। हो सके निचले लड़ दे वी वट बना लो, कोई माड़ी गल नहीं हैगी उहदे विच जी, जे तुसीं बना सकदे हो। सारे वट इक्को जगह ते रखणे आ तुसीं बना के। तो उन्हां दी दस्तार वाले एक चीज़ होर नोट करो, उन्हां दी दस्तार च वट मोहरे नूं नहीं आ रहे, उन्हां दी वट हौली हौली उपर नूं जा रहे ने। उन्हां दी दस्तार की उचाई चैक करो नाले। आपां वी उसे तरीके नाल दस्तार सजाणी आ, सीधे सीधे वट पा के वटन थोड़ा उपर नूं चकना, नाल दी नाल थोड़ा गैप पावांगे वटा दे विच, ते पिछे तक सीधा करके लड़ नूं लगा देना। याद रखियो उन्हां दी दस्तार दे विच गुलाई आ, गुलाई थोड़ी जी उपर नूं वधदी आ, फिर उस तों बाद चों घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पिछे तक इन्हां पेचां नूं इस तरीके नाल पिंच करके लगा देना है। तो फिर असीं दोनों पल्ले बराबर करांगे। नाल दी नाल ध्यान रखियो अपने वट आ जिहड़े उह ढिल्ले ना होण, मूल हिस्से तों नाल दी नाल अंगूठे नाल पिंच कर दांगे। हुण जिहड़ा अगला पल्ला लगावांगे इहदे विच वी असीं दोनों पल्ले बराबर करके पिछों जी दस्तान नूं पिंच करके इस तरीके नाल लड़ नूं लगा देना है। ध्यान रखियो उपरले पेचा दा जिहड़ा गैप आ तुसीं घट रखणा है, कन्न बाहर ना दिखे इस लई कपड़े नूं एडजस्ट करना है उपरली साइड ते। मोटा हिस्सा हमेशा पूनी दा तुहाडा उपरली साइड ते होना चाहिए है। हमेशा तुसीं दस्तार दी प्रैक्टिस करोगे जदों इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना है। फिर तीन उंगलों के गैप नाल असीं उपरों जी वट बनाने शुरू कर देने ने, जिन्ने हो सकन उन्ने वट बना लैने ने। अलग तीन चौथा वट, ये पंजवां वट, ये छेवां सत्तवां, जिन्ने हो सकन ठीक है बना के सारे इक्को जगह पर पिंच करके रख देने ने। रखण तो बाद चो दस्तान नूं थोड़ा जिहा उपरों भी सैट करांगे। देखो कई वट जिदा लुक जांदे आ ना, उन्हां नूं भी बाहर नूं कढ़ना है जो तुसीं अंगूठे नाल पिंच करदे आ। इहदे नाल तुहाडे वट आ जिहड़े उन्ने ही दिखणगे जिन्ने तुसीं स्टार्टिंग तों बनाउणे शुरू कर रहे हो। कोई भी वट किसी ने अंदरों अगे जा के नहीं बाहर आना चाहिए, सारे वट तुहाडे मोहले नुक्कड़ तों बाहर आने चाहिए ने। सारे वट सीधे सीधे करके इन्हां नूं खिचमिच टाइप नहीं होना देना है कि कोई वट निकल गया कोई वट लुक गया। सीधे जे वट होने चाहिए ने, स्पेस घट वध हो जाए कोई इशू नहीं है, बट दिखने सारे सीधे सीधे चाहिए ने। इस पेज नूं पिछों पिंच करके सैट कर लवांगे। हुण असीं फिर की करना है, आ जिहड़े मोहर हो जी वट लटकदे ने इन्हां नूं सैट कर लेना अंगूठे नाल पिंच करके। सारे वट इक्को जिहे होए ने ते उन्हां दी दस्तार वल भी ध्यान दे सकदे हो कि उन्हां दी दस्तार दे जिहड़े वट आ उह भी थोड़े थोड़े उपर जा रहे ने, ठीक है। इस गल दा ध्यान रखना है तुसीं। नाल नाल तुसीं उन्हां दी दस्तार नूं इमेजिन करना मन दे विच कि इस लड़ तों उन्हां दी दस्तार किद्दां दी लगदी सीगी ते तुसीं किद्दां दी सजाणी है। उस तरह ही सारिया चीज़ां तुसीं नोट करनियां दिमाग दे विच, नाल नाल दस्तान नूं सजाना है। दोनों पल्ले बराबर करके फिर तुसीं इस पल्ले नूं लगाया, उपरली साइड तो पेचा दा जिहड़ा गैप आ वह घट रखना है क्योंकि आखिरी लड़ भी तुहाडा चौड़ा ही लगेगा। तीन कुंगलां दे गैप नाल तुसीं इस जगह तो भी वट बनाने शुरू कर देने ने, खिच के जिन्ने हो सकन उन्ने वट बना के इक्को जगह पर पिंच कर देने ने। ध्यान रखना है तुसीं इस चीज़ का कि नाल नाल उन्हां दी दस्तान नूं इमेजिन करो कि इत्थों जी आखिरी लड़ उन्हां दा किन्ना कु उच्चा है ते किन्ने कु वट पै रहे ने। उन्हां दे आखिरी लड़ च भी वट पाने असीं जिदा सानूं उन्हां दी दस्तार दे विच दिख रहा सीगा। मैनूं जिहड़ी दस्तार उन्हां दी सही लगी मैं उस टाइम उन्हां दी दस्तार नोट कीती ते उहनूं चंगी तरह स्टडी कीता, उस तों बाद च तुहानूं टिटो दे दिता। नाल दी नाल थोड़ा दस्तार नूं दब्बांगे, इहदे नाल जिहड़ी दस्तार दी शेप आ जिहड़ी उन्हां वर्गी आऊगी। उन्हां दी दस्तार कदी वी देखोगे तुसीं मूंह नूं नहीं आउंदी, उन्हां दी दस्तार थोड़ी जी उपर नूं जांदी हुंदी सीधी स्ट्रेट, उहदे नाल इह हुंदा कि शेप उहनां वर्गी आउणी शुरू हो जूगी। हुण जिहड़े वट आ उहनां नूं इस जगह तों सैट करके तुसीं इक इक वारी पिंच करके सैट कर लेना हर एक जगह तों। कोई वट ढिल्ला लगदा होवे उहनूं खिच के टाइट कर सकदे हो, जे कोई वट बाहर नूं आ रहा होवे तां उहनूं सिलाई दी हैल्प नाल अंदर कर सकदे हो। हर एक हिस्से तों चंगी तरह सफाई करन तों बाद चों तुसीं इस जगह ते इक पिन भी अपलाई कर सकदे हो। कोई भी वट एक दूजे दे अंदर जा के लुकना नहीं चाहिए, सिलाई की हैल्प नाल तुसीं सारे वटां नूं सैट करना है मोहले कोर्नर तक, ते ना ही वट तुहाडे कोल ढिल्ला होना चाहिए है। मोहले हिस्से दे जदों तुसीं सिलाई लानी है उस तों पहलां तुसीं इस तरीके नाल सारे वट आ जिहड़े सही कर लैणे ने कि मोहले नुक्कड़ ते सारे वट सैट हो जाण। ते दोनां सैटां तों थोड़ा जिहा दस्तार नूं शेप दे विच लै के आवांगे। इमेजिन करना कि इत्थों थोड़ा जिहा दस्तार किहो जी लगदी सीगी, उस हिसाब नाल उस जगह तों दब लैणा दस्तार नूं, ठीक है। हुण तुहानूं असीं लास्ट लड़ लगा के दिखावांगे। इहदे लई जिहड़ा सज्जे पासे सैकेंड लास्ट लड़ आ इहदे विच बाहरला पल्ला ही नीचे नूं खोलणा है, अंदरले पल्ले नूं असीं उपर चक देना है क्योंकि उपरली साइड ते सानूं मोटा हिस्सा ज़्यादा चाहिए आ। तो अंदरले हिस्से तों जिथे ज़्यादा कपड़े की लोड़ होगी उहनूं उस जगह ते एडजस्ट कर देना है। नाल दी नाल ध्यान रखियो इस लड़ दे विच भी वट पाने ने ते उपरों जी मोटा करन लई इस लड़ नूं खोल के साफ करके अंदर नूं दुबारा पिंच कर देवांगे। सज्जे पासे देख सकदे हो उहनां दी दस्तार आ जिहड़ी आखिरी लड़ देखो किन्ना कु उच्चा आ, उन्ना ही उच्चा तुसीं लगाउणा आ। नाल नाल सारी चीज़ां ध्यान च रखणियां उन्हां दीआं। आखिरी लड़ च जिद्दां तुहानूं कहा सी असीं आखिरी लड़ दे विच भी वट पाने आ क्योंकि मैं जिन्ना क देखिया उन्हां दी दस्तार नूं मैनूं लगा कि उन्हां दी दस्तार दे विच आखिरी लड़ दे भी वट पाए हुए आ उन्हां ने। नीचे जी पिंच करन तों बाद इक वारी
थोड़ा जिहा पिंच करांगे, दस्तार खड़ी नहीं होनी चाहिए साड़ी, इस गल दा नाल नाल ध्यान रखना, उन्हें दस्तार थोड़ी जी बैठ हुई है, तो एक एक करके वटा नूं बाहर कढ़ांगे, सीधे सीधे वट करके इस लड़ नूं पिछे तक साफ करके तुसीं लगाना है। कुछ गल्लां होर ने जिदा कि मैं तुहानूं एक होर चीज़ समझा देवां, फेस का जिहड़ा फर्क आ वह भी फर्क बहुत ज़्यादा पैंदा हुंदा। मान लो तुसीं, मेरा फेस हैगा थोड़ा लंबाई दे विच गोल नहीं हैगा, उन्हां दा फेस हैगा थोड़ा चौड़ा, आपां उन्हां वर्गी दस्तार हूबहू सजा भी लईए तां साडे फेस दे अकॉर्डिंग आ के शेप थोड़ी जी बदल जांदी हुंदी हमेशा, तो इस गल नाल तुहानूं थोड़ा हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पैना आ। जिन्हां दे फेस उन्हां वर्गी दस्तार सजाण तो वह हूबहू उन्हां वर्गी लगती है, इन्हां गल्लां नूं तुहानूं मनना पैना आ। तो इस तो बाद असीं की करना, उपली साइड तो पेचां नूं सारिआं नूं साफ करांगे, सज्जे पास्यों भी। मैं तुहानूं इस तरह की एबिलिटी दे रहा कि कुछ चीज़ां तुसीं समझ सको किसी की भी टाइप की दस्तार सजाण लई, जदों किसी वर्गी तुसीं दस्तार सजाणी है उदों किहड़ियां चीज़ां तुसीं ध्यान दे विच रखणी है, कि उन्हां दी दस्तार दे किहड़े किहड़े पहलू नूं तुसीं दिमाग दे विच रखणा है उन्हां वर्गी दस्तार सजाउण लई। तो हुण असीं इस जगह ते वी एक पिन लगा लवांगे, ठीक है। पिन लगाउण दा इह फायदा कि जद तक तुसीं उपरले हिस्से तों दस्तार की सफाई करोगे उद तक तुहाडी दस्तार जिहड़ी अपनी जगह पर टिकी रहेगी। तो उपरों जी असीं पेचा की स्पेस नूं सैट करांगे ते मोटाई नूं सैट करांगे, तो पेचा दे विच जिहड़ा गैप आ उहनां नूं मेनटेन करना सारिआं नूं, क्योंकि पिछों जी जे तुसीं उन्हां दी दस्तार दी फोटोआं देखो या गाणिआं दे विच फोटोआं देखो तां उन्हां दी पिछले लड़ा दी स्पेस कुछ खास ज़्यादा नहीं हुंदी। नाल दी नाल तुसीं खब्बे पास्यों भी पेचां नूं चंगी तरह साफ कर लेना है, ठीक है। जे कितों तुहानूं कोई भी कमी पेशी लगती है तां उहनूं नाल दी नाल तुसीं सैट करना है। तो बाकी मेरे वीरों, तुसीं खब्बे पास्यों जां उपरली साइड तों शेप नूं चंगी तरह सैट करके चंगी तरह हर किसी नूं देख के कि उन्हां वर्गी दस्तार लग रही है तां फिर आखिरी कलगी वाला पेच लगा के दिखावांगे। बाकी तुसीं कोई सजैशन देना चाहते हो, कोई कमेंट करके जानकारी लेना चाहते हो, जां किसी तरीके दी तुहानूं कोई वीडियो चाहीदी है तां उहदे लई तुसीं नीचे कमेंट सैक्शन च कमेंट कर सकते हो, असीं उस चीज़ नूं ध्यान च रखांगे अगे तों। तो मेरे वीरों, हुण असीं कलगी वाला पेच लगाना है। ये सब तो पहले असीं इस लड़ नूं चंगी तरह गिला करांगे, पेच नूं खोलण तों बाद चों लुपी वाले पल्ले नूं मूँह च लगा के इस लड़ नूं दोनों साइडां तों थोड़ा घट घट अंदर नूं फोल्ड करना है। आखिरी लड़ च भी वट पाने आ, तुसीं चंगी तरह फोटो नूं जूम करके देख सकते हो, उन्हां दी आखिरी लड़ च भी वट आ। तो इस नूं चंगी तरह सैट करन लई तुसीं दोनों साइडां तों पल्ले नूं अंदर कर लेना है, फिर इस पल्ले नूं इकट्ठा कर लेना है पिछे तक, इन्हों दोनों पल्लियां खिंच के तुसीं इहदे उपर वट बनाने शुरू कर देने ने। जिन्ना कचौड़ा उन्हां दा लाड़ा उन्ना कचौड़ा ही तुसीं लगाउण दी कोशिश करनी है। तो चंगी तरह इस लड़ दे विच भी वट पाउण तों बाद चों उपरले हिस्से ते जिहड़ा इस जगह ते वट पै रहे नूं सिलाई दी हैल्प नाल तुसीं सैट कर लेना है। तो एक गल होर ध्यान च दिओ कि उन्हां दी कलगी ते गल करदे आ, हुण कलगी जिहड़ी उन्हां दी सेंटर दे विच नहीं हैगी, तुसीं फोटो च किसी भी फोटो देख लो उन्हां दी कलगी थोड़ी जी खब्बे पासे हुंदी है, सेंटर च नहीं, जिथे तुहाडी खब्बी अख दा भरवट्टा शुरू हो रिहा ना इत्थे इक कलगी हुंदी उन्हां दी। फोटो नूं जूम करके देख लो, भावें उन्हां दी प्रोफाइल ते जाके देख लियो इंस्टाग्राम दी, ठीक है। इस चीज़ नूं भी मैं बड़ा ध्यान नाल देखिया उन्हां दी कई फोटोआं दे विच, इसलिए मैं कलगी भी तुहानूं उसे जगह ते ही लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। खब्बी अख दा भरवट्टा जिथे शुरू हुंदा थोड़ी जी टेढ़ी हुंदी है खब्बे पासे नूं कलगी, इस तरीके नाल इस लड़ नूं तुसीं सैट करके एक बार घुमा के ला लेना है, तो बाकी बचदे पल्ले नूं अंदर कर देना है। बाकी मेरे वीरो, वीडियो वधिया लगती है तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारिया इहो जिहियां होर वीडियो आउण दा वे ने। तो हुण असीं की करना, एक बारी पिन नूं कढ लवांगे ते कलगी लड़ नूं चंगी तरह सैट करके जिदा तुहानूं सही लगे तो दोबारा पिन नूं उसे जगह पर लगा देवांगे। हुण तुहानूं देखण दे विच थोड़ी थोड़ी शेप लगती होनी उन्हां वर्गी, बाकी हमेशा तुसीं डिटो दस्तार किसी वर्गी भी सजा नहीं सकते, क्योंकि फेस नाल बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा हुंदा है इस चीज़ का। तुसीं भावें उन्हां वर्गी दस्तार सेम हूबहू सजा भी लो, तुहाडे फेस ते आके उहदी शेप हमेशा बदलनी ही बदलनी है, क्योंकि अपना फेस नीचों जी पतला है, नीचों जी दस्तार ने अपनी जगह बनानी है, उन्होंने फेस से उन्होंने फेस के हिसाब से जगह बनानी है, ठीक है जी। उपरों असी दस्तार नूं सजा सकते, निचले हिस्से तो तुहानूं हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पैना अपने फेस अकॉर्डिंग। तो पिछों जी चंगी तरह इस लड़ के वट पा के असी उपरले हिस्से तो दस्तार नूं कंप्लीट करांगे। जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं समझा रहा है, बट इन्हां चीज़ां नूं समझ के तुसीं किसी दे वर्गी भी दस्तार सजा सकते हो। असी तुहानूं अगे वीडियो जिहड़ियां देवांगे उहदे विच हर एक सैलीब्रिटी टाइप दियां, हर एक दस्तार दे स्टाइल दियां, हर एक दुमाला साहिब, ठीक है जी, हर एक पन्ने का ट्यूटोरियल देवांगे। तो इसलिए साडे नाल जुड़े रहो। हुण उपरों जी दस्तार नूं कंप्लीट करन लई असीं पहलां तां खब्बे पासे दोनों खुले वाले पल्लियां नूं लवांगे, दोनों नूं बराबर करांगे। सज्जे वाले पासे साडा बंद हिस्सा, चंगी तरह कपड़े नूं खोल के सिर उत्ते विछा लेना है, तो खब्बे हाथ नाल लड़ नूं उपर चाके सज्जे हाथ नाल कपड़े नूं अंदर कर देना है। दोनों साइडां तों ही इसे तरीके नाल करना है, इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा सिर आ उह डबल कवर हो जाएगा। तो पिछों जी लुपी वाले पल्ले नूं खिंच के सारे वल मलेवें इकट्ठे कर लेने ने। तो हुण दोनों साइडां तों लुपी वाले पल्ले नूं इस तरह अंदर फोल्ड करके कलगी वाले पेच नूं खिंच के
इस लड़ के अंदर करके लुपी लगा देनी है। दोनों साइडों तो चंगी तरह कपड़े अंदर कर लेना है। जे कोई कपड़ा थोड़ा ढिला मठा रह गया हो आखिरी लड़ा के जी लुपी या दस्तार की वह भी तुम्हें ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी हैगी। चंगी तरह उन्होंने थोड़ा पतला करके पिछे बाकी पास के पल्ले अंदर कर देना है। तो सिलाई न चंगी तरह अंदर कपड़े एडजस्ट कर देना है। दोनों साइडों तो ढिला मठा कपड़ा अंदर करने तो बाद केसा अंदर करके असं हूँ तुम्हें सारी दस्तार के दोबारा दर्शन करावे जी। पहला तो फ्रंट साइड तो देख सकते हो तुम दोनों साइडों तो, ठीक है जी। हुण खब्बे पासे देख सकते हैं सीधे सीधे एन प्लेन वट पाए असी पिछे तक। उपली साइड तो देख सकते हो पेचा की स्पेस घट आ सज्जे पास्यों, तो हुण सज्जे पास्यों चौड़ा है पेच साडा आखिरी जिदा उन्हां दा हुंदा है। बाकी वीडियो वधिया लगे तो चैनल में लाइक तो सबसक्राइब करना ना भूलो। नवी वीडियो डिस्क्रिप्शन जां ई बटन ते जाके देख सकते हो। हुण मिलांगे नैक्सट वीडियो च। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।